मेरी अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। इस सुंदर जगह है ना, एक छोटी सी प्रार्थनालय। मैंने आपसे कहा था ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में एक प्रार्थना टावर है, उसी पर मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रार्थना करने के लिए एक सुंदर प्रेयर रूम को बनाया है, चैपल इसे कहते हैं। यहाँ पर बैठ के परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं और वचन से अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए सही स्थान है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? भजन संहिता 143 अध्याय का 10वें वचन, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्गों में ले चले। तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे भले आत्मा के द्वारा सही मार्गों में अगुवाई कर। परमेश्वर की भक्त की सुंदर प्रार्थना है, ए पवित्र आत्मा तू ही मुझे सही मार्गों में अगुवाई करना है। इस प्रार्थना भवन में इन्होंने कुछ लिख कर रखा है, बहुत ही अच्छा है। ये मैन प्राइड, किसी व्यक्ति ने प्रार्थना की। At first he thought the prayer was talking. उन्होंने यही सोचा था, प्रार्थना का मतलब ये है परमेश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहना है। But he became quiet until the end. He realized prayer is listening. लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्रार्थना करके परमेश्वर की बातों को जान लिया। उन्होंने ये जान लिया प्रार्थना का मतलब परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की बातों को प्रार्थना के द्वारा सुनना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं जाके मुंह खोल के कुछ बोलना। प्रार्थना का मतलब ये परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनना है। वक्त कहता है तेरे भले आत्मा मुझे सही मार्गों में अगुवाई करे। प्रार्थना का मतलब ये है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बातें करे। आपने परमेश्वर के पास गए, आपने कुछ विनती किया है, लेकिन क्या परमेश्वर से कुछ उत्तर को पाए हैं? मेरी सेवा की शुरुआत में भी इसी प्रकार मैं प्रार्थना करता। प्रार्थना करने के लिए एकांत जगह में जाके घंटे घंटे प्रार्थना करता था और सारे विनती को परमेश्वर से सुनाते और इतना प्रार्थना करके वापस आ जाता था। लेकिन परमेश्वर मुझे और क्या उत्तर देना चाहते हैं उसको कभी नहीं सुनता था। प्रभु के पास सिर्फ गए और वापस वहां से आ गए। बाद में मुझे समझ में आया सिर्फ मैं नहीं परमेश्वर भी और वहां से मुझसे बातें करता है, यही प्रार्थना का मतलब है। अभी मुझे पता चला है प्रार्थना करने का मतलब पवित्र आत्मा तू मुझे क्या कहने के लिए चाहते हैं, यानी परमेश्वर के ओर से उत्तर को प्राप्त करना। प्रार्थना करके और प्रभु से और क्या प्रभु मुझे कहने के लिए करने के लिए चाहते हैं उसको प्रभु से सुनना। उसका बाद में ही मेरी प्रार्थना के तरीके बदल गए। प्रभु मुझसे बातें करता, मैं उनसे बातें करता हूँ। प्रार्थना का मतलब ये है मेरी बातों को परमेश्वर सुनते हैं और उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। ऐसे आदत रखने से आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। प्रभु क्या आपसे कहना चाहते हैं उसको आप समझेंगे। आपका जीवन में बहुत ही संघर्ष में है, समस्या में क्या करें, आगे मैं क्या करना है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। बिजनेस में, परिवार में और समस्या में आगे क्या करें पता नहीं चल रहा है ना, प्रभु की चरणों पर आए, वचन के लिए ध्यान दें और परमेश्वर के चरणों के पास शांत होकर बैठे प्रभु के वचन को अध्ययन करें। प्रभु से कहें तेरी वाणी को सुनना, तब वाणी को आप सुन सकते हैं। हमारे दिल में यही विचार होती है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और मुझसे वो बातें नहीं करेगा। परमेश्वर बहुत ही प्यारा प्रभु है, वो आपकी वाणी को आपकी बातें सुनना चाहते हैं और वापस आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप कहेंगे परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं तो नलायक हूँ, ऐसे ही व्यक्तियों से परमेश्वर दिल खोल के बात करना चाहते हैं। परमेश्वर बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। यदि आप कहेंगे मैं नम्र हूँ प्रभु दया करता, घमंडियों को परमेश्वर सामना करता उनसे बातें नहीं करेगा। यदि आप कहेंगे हे प्रभु मैं तो बिल्कुल लायक नहीं हूँ,
तेरे चरणों के पास मैं आता हूँ प्रभु, तू मुझे ग्रहण करना। इस प्रकार दुआ करने से प्रभु आपकी बातों को सुन सकता है। मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो बहुत ही प्यारा है। जी हाँ, आज उनके चरणों के पास जाएंगे और विनती करेंगे। आपकी समस्या का समाधान, आपकी सारी बातों के लिए उत्तर परमेश्वर के पास है। आज उनके चरणों के पास जाके धीमी आवाज से हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मेरी बातों को ध्यान से तू सुनता है। तेरी बातों को हम ध्यान से सुनने के लिए अनुग्रह कर दे। हे प्रभु, इस बेटा इस बेटी बहुत ही बोझ और ध्यान से प्रार्थना कर रहे, इनकी प्रार्थना को तू उत्तर देना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।